हर बार की तरह एक बार फिर बाजारों में दिवाली की रौनक छा गई है। दिवाली के मौके पर हम घर पर बहुत कुछ नया करते हैं और कई पुरानी चीजों को हटा देते हैं। इस मौके पर घर की साफ सफाई के साथ साथ सजावट पर हमारा खास फोकस रहता है ताकि हमारा घर साफ सुथरा और सजा रहे, तो लक्ष्मी माँ आएंगी। लेकिन सिर्फ एक दिन ऐसा करने से लगातार लक्ष्मी माँ की कृपा पर बनी रहे ऐसा तो है नहीं। बात क्या है, माता लक्ष्मी से हमारा मतलब धन से है, तो आप पर धन की कृपा हमेशा बनी रहे इसके लिए आप इस दिवाली से एक नया कदम उठा सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैसे बचाएं कैसे, यानी मनी सेविंग टिप्स। इस दिवाली आप कैसे पैसे बचाएं, कैसे कुछ नया कर सकते हैं, सब कुछ उस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। हमारे सारे दर्शकों को तहे दिल से हैप्पी दिवाली। ज्यादातर लोग फिजूल खर्ची में काफी पैसे उड़ा देते हैं। अगर आपको मनी मैनेजमेंट आ गया तो समझिए कि जीवन की राहत काफी आसान हो गई। अक्सर आपने सुना ये होगा या देखा ये होगा कि ठीक ठाक सैलरी या कमाई होने के बावजूद आदमी पैसे के लिए परेशान रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मनी मैनेजमेंट की कमी। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। महीनों में आपकी जितनी भी कमाई है, सबसे पहले उसका एक बजट तैयार कर ले। जैसे आप पूजा का बजट तैयार करते हैं, इस दिवाली आप बजट तैयार कर रहे होंगे अपने बटुओं का, वैसे ही आप घर का भी एक बजट तैयार करें। इसके अलावा दिवाली जैसे त्योहारों के मौके पर लोग बेतहाशा खर्च कर देते हैं कि चलो माना कि खुशी का माहौल है, इसलिए इस मौके को थोड़ा सोच समझ कर बेहद ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी ही करनी चाहिए ताकि पैसे बचाए जा सके। क्योंकि आप जब भी जितना भी पैसा बचाएंगे वो आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ी राहत देने वाला साबित हो सकता है। तब आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वे खरीदारी करने जा रहे हैं तो उनके पास खाली समय हो ताकि वे सोच समझ कर ही रुपए का इस्तेमाल कर सके। कैसे आप पूरी प्लानिंग करते हैं दिवाली की, क्या डेकोरेशन करना है, क्या चीज़ें कैसे करनी है, वैसे ही आप अपने बजट में भी ये लाएं कि कैसे किन चीज़ों पे आपको खर्च करना है। जल्दबाजी के चक्कर में आपको ज़्यादा चपत लग सकती है, इसीलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर के सामान या महीने के बजट की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको थोक में इन सामानों की खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका खर्चा जो है वो कम होगा। साथ ही आपको सामान को ऑनलाइन और दुकानों से एक कंपेयर करके भी खरीदना चाहिए, कहाँ आपको सस्ता मिल रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए इस मामले में भी आपको। और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स को में बार बार जाना बंद करें, बार बार खरीदारी करने से बचें। क्योंकि देखिए, मुझे पता है कि मैं भी एक शॉपोहॉलिक हूँ और आप भी होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, तो इसे बार बार चेक करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आप यूज़ के हिसाब से डिस्काउंट आदि को कम कर देते हैं। अगर आपकी अभी तक बचत करने की आदत नहीं है तो जल्द इसकी आदत डाल लें, क्योंकि इससे आपकी इनकम की बचत होगी और अगर आप इन रुपए को सही जगह निवेश करते हैं तो इनकम भी बढ़ेगी। आप अपनी इनकम को म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी और सरकारी योजनाओं जैसी जगहों पर जमा कर सकते हैं ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आ सके। आजकल सेहत, अस्पताल और हादसे जैसी वजहों से ही भी काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है, तो इंश्योरेंस, इसलिए सेहत का ख्याल रखना और साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें ताकि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो तनाव या किसी भी फैमिली प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे समय में आपको चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करने से बचना चाहिए, सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। परिवार वाले हैं तो फैमिली में कहाँ कितना और कैसे खर्च करना है ये भी आपको समझना होगा। आप फैमिली के मेंबर से आपस में बातचीत करके खर्च करें और उस पर कंट्रोल करें ताकि आने वाले दिनों में भी वो रकम आपकी फैमिली की मुसीबत के वक्त काम आएगी। और एक सबसे ज़रूरी बात ये कि किसी भी मोटी रकम को उधार देने से बचे, क्योंकि पता नहीं ज़रूरत के वक्त वो आपको वापस लौटा पाएगा या नहीं। तो कई बार तो सालों बीत जाते हैं और उधारी की रकम वापस नहीं होती, इसलिए बेहद भरोसेमंद के साथ ही उधारी का लेन देन करें, वो भी सोच समझ कर अपनी क्षमता के मुताबिक करें। तो इस दिवाली ये सारे टिप्स अपनाएं और पैसे बचाएं, और लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी आप पे तो और भी पैसे बनेंगे आपके। तो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।